है कि आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 ही चल रहा है सेट्स का क्लास 6 में, और हमने वर्कशीट के बहुत से पेजेस सॉल्व किए थे। आज हम अपनी वर्कशीट का ये सब हमने सॉल्व कर लिया था, एक्सरसाइज 1A का पार्ट 1, 2, 3, 4, और इसी तरीके से हमने आगे के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मैंने आपको कॉपी में ही सॉल्व करवाए थे सारे, क्योंकि वर्कशीट में जगह नहीं थी। आप एक बार मैच कर लीजिएगा अपनी वर्कशीट से कि ये काम हुआ हुआ या नहीं। फिर उसके बाद आपके पास एक्सरसाइज है 1C। 1C में आपके पास क्वेश्चन आ रहा है एक यहाँ पर। आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपके पेज नंबर 7 पर मौजूद है। यहाँ हमसे कह रहे हैं ड्रॉ अ वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सेट्स। आपको कुछ सेट्स दिए गए हैं, आपने उसके वेन डायग्राम बनानी है। वेन डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं, इसके लिए आपको अपनी स्कूल की कॉपी चाहिए होगी। आप इसे अपनी स्कूल की कॉपी पर ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ वर्कशीट पर जगह नहीं है। नंबर 1 पर आपको कहा है नेम्स ऑफ 5 बॉयज़ स्टार्टिंग विद ए एंड नेम ऑफ 5 गर्ल्स स्टार्टिंग विद एस। आपने 5 नेम्स के 5 बॉयज़ के नेम लिखने हैं जिनका नेम स्टार्ट होता है ए से, और 5 गर्ल के नेम लिखने हैं जिनका नेम स्टार्ट होता है एस से। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी खोलेंगे, ये और नंबर 1 लिखेंगे। नंबर 1 पर जो आपसे कहा है, ठीक है, जो क्वेश्चन आपसे कहा गया था मैंने वो यहाँ कॉपी किया है। फिर आपने वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले इस तरह से एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ऊपर लिख देना है बॉयज नेम, और इस तरह से अंदर एक सर्कल बना लेना है, और यहाँ पर भी आपने एक डायग्राम बनानी है वेन डायग्राम बॉक्स की शेप में। ये वेन डायग्राम कहलाती है हमारी, इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ आप लिखेंगे गर्ल्स नेम, फिर उसके बाद आपने यहाँ भी एक सर्कल बनाना है। यहाँ आपने कुछ बॉयज़ के नेम लिखने हैं, फॉर एग्जांपल अली, अहमद और रजा, फहद, ठीक है, अहमद और हादी, अब्दुल्ला, ठीक है, और हसन। तो यहाँ आपने नेम लिख दिए बॉयज़ के, और यहाँ पर भी आपने बॉयज़ के नेम लिख दिए। यहाँ पर भी आपने 4 बॉयज़ के नेम लिखे, यहाँ भी आपने 4 बॉयज़ के लिखने। अब इसमें से जो नेम ए से स्टार्ट होते हैं आपने उसके नेम लिख देने, और टोटल आपने लिखने 5 बॉयज़ के नेम। तो पहला आप लिख दिया अली, अहमद, अब्दुल्ला, सर्कल थोड़ा बड़ा बना लीजिएगा, अहमद, और एक और बॉय का नाम आप यहाँ नीचे लिखते हैं यहाँ पर अयान, सही है, और इस सर्कल के अंदर लिख लेंगे अयान। तो ये आपके 5 बॉयज़ के नेम हो गए। इस तरह से वेन डायग्राम बनती है। अब यहाँ पर भी आपने गर्ल्स के नेम लिखने हैं कुछ जो एस से स्टार्ट हों, और इसके अलावा भी आप कुछ लिख सकते हैं। चलिए लिखना शुरू करते हैं, सना, सारा, हादिया, नूर और सोनिया और फातिमा, सानिया और सबा। अब आपने इसमें से 5 गर्ल्स के नेम निकालने हैं जिनका नेम स्टार्ट होता हो एस से। तो आपके पास हो गया सना, सारा, सबा, सानिया और सोनिया। तो आपने इस तरीके से अपना वेन डायग्राम बड़ा करके बनाना है, और इसमें 5 नेम बॉयज़ के आ गए, 5 नेम गर्ल्स के आ गए। इस तरीके से वेन डायग्राम बने। अब इसके बाद नंबर 2 पर आपसे कह रहे हैं स्टूडेंट्स इन योर
class who live in a flat and who live in house. आपने उन students के name Venn diagram में लिखने हैं, एक Venn diagram बनानी है जिसमें आपने लिखने हैं उन students के नाम जो आप flats में रहते हैं और उन students के नाम जो house में रहते हैं. तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, पहले मैं question उतारती हूँ इसका. ठीक है, मैंने क्वेश्चन उतार लिया. वेन डायग्राम को बनाने से पहले आप एक चार्ट बनाएं जिसमें आप ये शो करवा दें कि आपको पता है कि ये बॉयज़ जो हैं फ्लैट में रहते हैं और ये पीपल्स हैं कुछ जो हाउस में रहते हैं. ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले लिख देना है यहाँ पर आपने लिखना है लिव इन फ्लैट, लिव इन हाउस. ठीक है, अब आप पीपल्स के नेम लिखते हैं जो फ्लैट में रहते हैं और जो हाउस में रहते हैं. तो यहाँ लिखते हैं अली, यहाँ लिखते हैं रजा, यहाँ लिखते हैं हारून, यहाँ लिखते हैं हसन, यहाँ लिखते हैं सलमान और यहाँ लिखते हैं रिहान. ठीक है, यहाँ आप लिखते हैं अयान, हादी, अब्दुल्ला और अहमद. ठीक है, अब आप एक वेन डायग्राम बनाएं. यहाँ इस चीज़ से आपको पता चल गया कि कौन से पीपल्स हैं जो फ्लैट में रहते हैं और कौन से पीपल हैं जो हाउस में रहते हैं. अब आपने एक वेन डायग्राम बनानी है इस तरह से. वेन डायग्राम से पहले आप यहाँ पर नेम लिखते हैं किस किस के, अली, रजा, हारून, हसन, सलमान और सलमान, रेहान, अयान, अहमद, हादी और अब्दुल्ला. अब आपने करना ये है, इस सर्कल के अंदर उनके नेम लिखते हैं जो रहते हैं लिव इन फ्लैट. तो देखें सारे नेम मैंने वही ऊपर वाले रख दिए, फ्लैट वाले भी हाउस वाले भी. इसमें से आप फ्लैट वाले नेम निकाल लें और सर्कल में रख दें. फ्लैट में कौन कौन रहता है, अली रहते हैं, हारून रहते हैं और सलमान रहते हैं, अयान रहते हैं, हादी रहे. ठीक है, इसी तरीके से आपने एक वेन डायग्राम बनानी है इस तरीके से और इसमें सर्कल डालना है आपने. अब इसमें आप सारे वही नाम लिखते हैं, फ्लैट वाले भी लिखते हैं और हाउस वाले भी लिखते हैं, अली, रजा, हारून, हसन, फिर यहाँ रखें सलमान, रेहान, अयान, अहमद, हादी और अब्दुल्ला. अब इसमें से सर्कल में वो नेम रखते हैं जो रहते हैं लिव इन हाउस, जो हाउस में रहते हैं. तो कौन कौन रहते हैं, रजा, हसन, रेहान, अहमद, अब्दुल्ला. ठीक है, इस तरीके से आप बनाएंगे वेन डायग्राम. क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू हो गया. अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री. क्वेश्चन नंबर थ्री में आपसे क्या कह रहे हैं, एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स एंड एनिमल दैट ईट मीट. आपने उन एनिमल्स के नेम लिखने हैं जो प्लांट्स खाते हैं और फिर उन एनिमल्स के नेम लिखने हैं जो मीट यानी गोश्त खाते हैं. तो फिर से वेन डायग्राम बनाते हैं. इसे हम इजीली चार्ट
नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें खुद पता है कि कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो प्लांट्स खाते हैं और जो मीट खाते हैं, तो इसके लिए हम डायरेक्ट वेन डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन उतार दूँ, क्वेश्चन नंबर 3। अब मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया है, क्वेश्चन के बाद मैं इसी तरीके से वेन डायग्राम बनाऊँगी। वेन डायग्राम में मैं यहाँ सर्कल बना दूँगी और सर्कल से पहले मैं यहाँ पर लिखूँगी कुछ एनिमल्स के नेम, शीप, कैट और गॉट और टाइगर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगी काओ, रैबिट, लाइन, लाइन एंड बेयर। इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी एक वेन डायग्राम बनाऊँगी, सर्कल, और सेम ये वाले नेम मैं यहाँ लिख दूँगी, शिप, कैट, गॉड, टाइगर, काउ, रैबिट, लाइन, बेयर। यहाँ मैं लिख दूँगी एनिमल दैट ईट प्लांट, वो एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं। तो कौन कौन से हो गए इसमें, शीप, काउ और रैबिट, गॉट। तो ये सिर्फ प्लांट खाते हैं, तो इनके नाम मैंने यहाँ लिख दिए। अब मैं यहाँ लिखूँगी एनिमल्स दैट ईट मीट। अब मैं यहाँ उन एनिमल्स के नेम लिखूँगी जो गोश्त खाते हैं, तो कौन कौन से हो गए, कैट, लाइन, टाइगर, बेयर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 की वेन डायग्राम बन गई। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर आपसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, 4 फेमस पाकिस्तानी पीपल्स एंड 4 फेमस ब्रिटिश पीपल। आपने 4 फेमस पाकिस्तानी पीपल्स के नेम लिखने और 4 फेमस ब्रिटिश पीपल्स के नेम लिखने हैं। तो फिर से आप बनाएंगे वेन डायग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, 4 फेमस पाकिस्तानी पीपल्स एंड 4 फेमस ब्रिटिश पीपल्स, तो इनके आपने नेम लिखने। तो किस तरीके से लिखेंगे, मैं पहले सवाल उतारती हूँ। मैंने यहाँ सवाल उतारा और उसके बाद यहाँ दो वेन डायग्राम्स बना दी हैं। एक पर मैं लिखूँगी फेमस पाकिस्तानी पीपल और यहाँ मैं लिखूँगी फेमस ब्रिटिश पीपल, और वेन डायग्राम के अंदर इस तरीके से सर्कल बनेगा। अब यहाँ मैं कुछ नेम लिख रही हूँ, फोर, फातिमा, अली जिना और कायद आजम और स्टीफन विलियम, लियाकत अली खान अल्लामा इकबाल और हो गया जेके रोलिंग। इसी तरीके से मैं यहाँ भी सेम नेम लिख दूँगी, होल, फातिमा अली जिना, अल्लामा इकबाल, जेके रोलिंग, फिर कायदे आज़म, फिर स्टीफन विलियम, लियाकत अली खान। अब इसमें से जो
पाकिस्तानी फेमस पीपल हैं उनके नेम आप इसके अंदर लिखते हैं तो आपके पास हो गई फातिमा अली जना, कायदे आज़म हो गए, अल्लामा इकबाल हो गए, अल्लामा और का आई लिखते थे मैं इकबाल का, लियाकत अली खान। इसी तरीके से यहाँ जो ब्रिटिश फेमस पीपल हैं आप उनके नेम लिखते हैं तो पहला आपके पास हो गया पोल, दूसरा आपका हो गया स्टीफन, तीसरा आपके पास हो गया विलियम और जे के रोलिंग। मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं थी कि मैं इनके पूरे पूरे नेम लिखूँ इसलिए मैंने इसके शॉर्ट फॉर्म में नेम्स लिख दिए हैं। तो ये हमारे पाकिस्तानी फेमस पीपल हो गए और ये हमारे ब्रिटिश के हो गए। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहे हैं यहाँ पर कि आपने लिखना है 5 सिटीज़ इन सिंध एंड 5 सिटीज़ इन पंजाब। आपने 5 सिटीज़ के नेम लिखने हैं जो सिंध में मौजूद हो और फिर 5 सिटीज़ के नेम लिखने जो पंजाब में मौजूद हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखूंगी मैं। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 लिखा, हमें यहाँ पे लिखना था 5 सिटीज़ इन सिंध एंड 5 सिटीज़ इन पंजाब। तो मैंने सिटीज़ इन सिंध लिख दिए, सिटीज़ इन पंजाब लिख दिए। अब हम इसमें सिटीज़ के नेम लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हैदराबाद, कराची, गुजरांवाला और सियालकोट, फिर आपके पास है नवाबशाह और है आपके पास सखर, लाहौर, मीरपुर खास, फिर है आपके पास मुल्तान और फैसलाबाद। अब आपने इनमें से उन सिटीज़ के नेम अंदर लिखने हैं जो हमारी सिंध में मौजूद हैं। तो यहाँ पर आएगा हैदराबाद, कराची और कराची हो गया और मीरपुर खास नवाबशाह। ठीक है, तो ये नेम हैं जो हमारे सिंध में मौजूद हैं। अब आपने यहाँ पर भी सेम नेम लिखने, हैदराबाद, सियालकोट, नवाबशाह, मुल्तान, फैसलाबाद, फिर कराची, गुजरांवाला, सियालकोट, लाहौर, मीरपुर। अब इसमें आपसे वो नेम लिखेंगे जो पंजाब में मौजूद हैं सिटीज़ के नेम। तो आपका एक हो गया गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, लाहौर और लास्ट मुल्तान। ठीक है, इस तरीके से आपने लिखना था। इस तरीके से लिखने के बाद अब आप देखें आपकी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 1C में हमें 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चंस करने थे। तो होपफुली आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। आपने इस एक्सरसाइज को अपनी कॉपी के अंदर ही सॉल्व करना है। टेक केयर टिल द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।